हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप? आई होप घर पे सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वेज कबाब। वेज कबाब जो बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस होते हैं। ओके, तो लेट्स गो। तो कबाब बनाने के लिए मैंने लिए दो उबले हुए आलू, एक कटोरी गोभी, एक कटोरी गाजर और एक कटोरी शिमला मिर्च। और ये मसाले हैं, जब मैं डालूंगी तो मैं आपको बताती रहूंगी कि मसाले क्या क्या हैं। हमें चाहिए आइसक्रीम स्टिक्स, कोई भी स्टिक ले सकते हो आप, और मैंने एक लिया है चॉपर। इस डिश में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सब्जियां बहुत बारीक करनी है, बहुत बारीक। तो करते हैं। तो मैंने इस सारी वेजिटेबल्स को बहुत छोटा छोटा बारीक कर लिया है चॉपर की मदद से। अब एक मिनट हम इसे पकाएंगे, पूरा एक मिनट देखकर ही पकाएंगे, बिना घी डाले, सिंपल सा। तो मैंने इसे रख दिया है एक मिनट पकाने के लिए। एक मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना, ज़्यादा पकाओगे तो पानी पानी छूट जाएगा और बाइंडिंग में वो टेस्ट नहीं आएगा जो लाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा वेजीज को मैंने एक मिनट अच्छे से पका के, ज़्यादा भी नहीं पकाई है, खड़ी खड़ी सब्जियाँ रखी है सारी, देख सकते हैं। अब इसके अंदर डालूंगी मैं दो उबले हुए आलू, पहले ही मैंने उबाल के रख लिए थे। तो आलू डालने के बाद मैंने डाला है पनीर। पनीर डालने से एक चीज़ होती है कि बाइंडिंग में सॉफ्टनेस आती है और बहुत अच्छा लगता है। आपकी मर्जी है, आप डालो या नहीं डालो। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर मसाले क्या क्या डालेंगे। ये भुना हुआ जीरा है, ये गरम मसाला है, नमक है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च आधा चम्मच और हल्दी आधा चम्मच। ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा था, तो ये सब हम डाल देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये बेसन है, बेसन को मैंने रोस्ट किया है 3 चम्मच। आप ये वाले 3 चम्मच मैंने लिए हैं, आप डेली यूज़ वाले चम्मच लेते हैं तो आप वो 4 चम्मच लें। और बेसन को अच्छे से रेड करके ये भी इसमें डाल दें। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करो। बस इसको उठा के आपको ऐसे गोल करना है, आपकी मर्जी है, बड़ा बनाना चाहते हैं या छोटा बनाना चाहते हैं। इसके बाद ये स्टिक लेनी है और ऐसे डाल देनी है। अब जो चिकन नहीं खाते हैं और जो कबाब नहीं खा सकते हैं, वो वेज कबाब तो खा ही सकते हैं ना। तो बस अपने शौक पूरे करो और वेज कबाब बनाओ। तो बस तैयार है, हम ऐसे ही सारे बना देंगे। बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों को बड़ों को बहुत टेस्टी। तो प्लीज़ ट्राई करना, वेजीज हैं सारी, सब हेल्दी है, कोई ऑयलिंग नहीं है ज़्यादा। सी कितने अच्छे से ये फिट हो जाता है। तो बस मैं ये सारे ऐसे तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ओके, नॉनस्टिक तवा रख दिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, कोई भी डाल सकते हैं आप। और बस इसके बाद अपने बने हुए कबाब आप रखें, माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं आप और ऐसे भी कर सकते हैं, पर ऐसे थोड़े से क्रिस्पी बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। हेल्दी है, ऑयलिंग नहीं है, ना ही डीप ऑयलिंग किया है, बिल्कुल कम लगेगा।
तो बस नॉनस्टिक तवे में इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के पलटते रहना है आपको। आप देख रहे होंगे कितना क्रिस्पी बन रहा है नॉनस्टिक तवे में, कम पे गैस है मेरी और हर जगह। तो मैंने सैलेड के साथ प्लेटिंग करी है, आप देख सकते हैं। आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, ग्रीन चटनी, रेड चटनी या सैलेड में और भी कुछ हो सकता है, जो भी आपको पसंद है आप उसके साथ सर्व करें। बहुत अमेजिंग लगता है टेस्ट इसका। अब मैं थोड़ा सा लगाऊंगी इसके ऊपर बटर, थोड़ा थोड़ा सा ही लगाऊंगी। तो मैं साथ साथ नींबू थोड़ा सा निचोड़ के डालूंगी और साथ में डालूंगी चाट मसाला और टेस्टी बनाने के लिए। तो आपको पसंद है नींबू और नहीं पसंद तो चाट मसाला, जो भी पसंद है आप डालें, और दोनों पसंद है तो दोनों डालें, मैंने भी दोनों डाले हैं। तो बस अब खाते हैं, अब किस चीज़ का वेट, आप भी बनाएं और आप भी खाएं। एक बारी बनाएंगे तो दोबारा बनाते रह जाएंगे, ये मेरा दावा है। ओके, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ओके, बाय बाय।